नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईडी टेक टॉक में। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पैन कार्ड के बारे में। जिनके पास भी पैन कार्ड है ये वीडियो उनको जरूर देखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। जरूर ये वीडियो आप शेयर करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो में खो जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। अभी से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ पैन कार्ड के बारे में कुछ ऐसी चीज़ जिन्हें आप जरूर सुनना चाहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक डमी पैन कार्ड है। मैं इसमें किसी का भी पैन कार्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये आपको बस बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आप बस पैन कार्ड का नंबर देख के ये पता कर सकते हैं उसके बारे में, पैन कार्ड के बारे में, जो भी पैन कार्ड यूज़ कर रहा है उसके बारे में। जैसे दोस्तों अगर कोई कंपनी है या फिर कोई ऐसा आदमी है जो आपको नंबर दिखाकर दावा करती है कि आपको एक पैन नंबर दिखा के दावा कर रही है कि मेरा पैन नंबर है, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि वह व्यक्ति आपको झूठी जानकारी तो नहीं दे रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं पैन कार्ड कैसा है। दोस्तों पैन कार्ड का नंबर 10 अंकों का होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो पैन कार्ड है उस पे नंबर है AKNPD0718K। ठीक है, ये एक नंबर है। अब यहाँ पे बड़ी समझने वाली चीज है, जैसे जो चौथा स्थान होता है पैन कार्ड का, आपको पैन कार्ड की कैटेगरी बताता है। जैसे पी से पैन कार्ड किसी व्यक्ति का है, सी से पैन कार्ड किसी कंपनी का है, अगर वहाँ पे एच है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, जी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर वहाँ पे एफ लिखा है तो पैन कार्ड किसी फर्म का है, तो अगर वहाँ पे ए है तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस का है, अगर टी है तो वहाँ ट्रस्ट का है, अगर बी लिखा है वहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का है, अगर एल लिखा है तो लोकल अथॉरिटी का है, अगर जे लिखा है तो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं आपके पास आता हूँ, बोलता हूँ ये पैन कार्ड मेरा है, देखिए ओरिजिनल है। तो आपको अब चेक क्या करना है कि ये सच बोल रहा है झूठ। तो पहले नंबर का क्या करना है, चौथे नंबर पर जाना है, वहाँ पे अगर पी लिखा है तो वो पैन कार्ड किसी पर्सन का है। मतलब इतना आपको श्योर हो गया ये किसी कंपनी या किसी ट्रस्ट या किसी अथॉरिटी का नहीं है, ये एक पर्सन का है, किसी एक व्यक्ति के बारे में ये पैन कार्ड बनाया गया है। अब पांचवें नंबर पे मेन है, आपको चेक करना है मेरा जो नेम है उसका फर्स्ट, या तो मेरा जो सरनेम है या मेरा जो कास्ट है। ए जैसे अनिल दुबे है, यहाँ पांचवें नंबर पे वहाँ पे ए रहेगा या तो डी रहेगा। अगर नहीं है तो वो पैन कार्ड फेक है, वो झूठ है, वो पैन कार्ड काम करने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे पैन कार्ड के बारे में कैसे पता करते हैं। जितनी भी ये वीडियो आप शेयर करके बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं नॉलेज है, वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ये वीडियो शेयर करके उन्हें वो बता सकते हैं, बहुत काम आएगी उनको ये वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, धन्यवाद।